याद है आपको, मेरे ख्याल से आपको मैंने पढ़ाया था कॉन्सेप्ट ऑफ रियल एंड अपेरेंट डेथ, याद है? हाँ बेटा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या आया था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया था आपका रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, है ना? ये किस चीज, ये कब था? ये कब था? जब ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम में हो एंड जब ऑब्जर्वर रेयर रेयर मीडियम में हो, ठीक है। सेकेंड आया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू अपेरेंट हाइट, अपेरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट। और ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा? जब आपका ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो, यानी कि व्हेन द फिश इज वाचिंग द बर्ड एंड दिस इज द केस ऑफ व्हेन यू आर वाचिंग द फिश। आप जब फिश को देख रहे हो या क्वाइन को देख रहे हो तो ये केस बनेगा, और जब फिश यानी ऑब्जेक्ट अगर आपका रेयर में हो और ऑब्जर्वर आपका जो हो वो डेंसर मीडियम में हो तो ये फॉर्मूला आएगा अपेरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट। इस केस में रियल डेप्थ कैपिटल डी जो होता है वो ग्रेटर होता है स्मॉल डी से, ये कैपिटल डी है स्मॉल डी है। और इस केस में अपेरेंट हाइट को कैप स्मॉल एच कहते हैं और रियल हाइट को कैपिटल एच कहते हैं, और यहाँ पे स्मॉल एच ग्रेटर होता है कैपिटल से। हमेशा याद रखो जो ऊपर होगा वो हमेशा ग्रेटर होता है, ऊपर वाला हमेशा बड़ा ही होता है ग्रेटर। ना। हाँ, लॉर्ड इज ऑलवेज ग्रेटेस्ट। हाँ, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द टॉपिक इज क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है बेटा? ओके, पहले बात, सबसे पहले बात तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये लिखो कि क्रिटिकल एंगल या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोनों तभी पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट, जब जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए। पहला पॉइंट लिखेंगे पॉसिबल क्या होता है वो अभी बताएंगे हम आगे, बट ये याद रखेंगे कि पॉसिबल तभी है, पॉसिबल ओनली व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। लाइट जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाए तभी ये पॉसिबल है, ठीक है बेटा? क्लियर है? ओके, अब ये क्रिटिकल एंगल होता क्या है? देखो पहले मैं समझाता हूँ फिर डेफिनेशन लिखूंगा, नेक्स्ट पेज में समझाता हूँ। लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, मान लो ये रेयर मीडियम है और ये नीचे वाला डेंसर मीडियम है, ठीक है? लाइट डेंसर से रेयर में, तो जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है, ये बात तो आपको पता ही है ना? हाँ, जब भी लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो लाइट ऑलवेज बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये एंगल आई एंगल आर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से देखो काफी दूर नीचे की तरफ, है ना? ओके अच्छा बेटा, अगर मैं बोलूं कि इफ आई नीड टू या आई वांट टू इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता हूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊंगा तो इंसिडेंट रे को कहीं यहां लेके जाऊंगा, पीछे की तरफ, नीचे की तरफ लेके जाऊंगा, ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा, सॉरी, है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने के लिए आपको इंसिडेंट रे को कुछ ऐसे करना पड़ेगा, तब तभी ना ये एंगल बढ़ेगा, है ना? तो इफ यू इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी तो इंक्रीज होगा बेटा,
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो इंसिडेंट रे सरफेस के तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज अगर होना चाहेगा तो रिफ्रैक्टेड रे भी सरफेस के तरफ या नीचे की तरफ आएगा। इफ यू वांट टू इंक्रीज आई, आई विल इंक्रीज इन रिस्पॉन्स, और वो आई इफ यू वांट टू इंक्रीज आई, आर विल इंक्रीज इन रिस्पॉन्स, और रिफ्रैक्टेड रे नीचे की तरफ सरफेस के करीब आएगा। और जब रिफ्रैक्टेड रे नीचे की तरफ आएगा तो ये सरफेस के ऊपर हो जाएगा और एंगल आर की वैल्यू 90 हो जाएगी, होगा नहीं होगा? Yes. अगर मैंने आई को इंक्रीज किया तो अब जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो सरफेस पे आ जाएगा, कहीं यहां सरफेस पे आ जाएगा। ये तुम्हारा आई और ये तुम्हारा आर आर 90 डिग्री हो जाएगा बेटा। यस। तो अगर आप जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए और अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करो और ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस रखो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 90 डिग्री हो जाए तो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग कहते हैं क्या? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, वेरी गुड। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, इजंट इट? यस, वेरी गुड। दिस इज द केस ऑफ क्रिटिकल एंगल। But if you keep on increasing the angle of incidence, अगर angle of incidence को further मैं और increase करता हूँ, further मैं और angle of incidence को increase करता हूँ, ऐसे case में angle of refraction और increase होना चाहेगा, और increase होना चाहेगा, और angle of incidence अगर और increase होगा तो angle of refraction भी increase होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे भी नीचे की तरफ आएगा। जब रिफ्रैक्टेड रे नीचे की तरफ आएगा तो लाइट विल सीम टू बी बैक इनटू द सेम मीडियम। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, लाइट इज सपोज टू बी ट्रांसमिटेड और रिफ्रैक्टेड इनटू द सेकेंड मीडियम, बट हियर वी कैन सी दैट After increasing, yeah, on increasing the angle of incidence by the critical angle, the refracted ray, yeah, the ray comes back into the same medium, and this phenomena is called as total internal reflection. तो जब light एक medium से दूसरे medium में जाती है तो ऐसा माना जाता है कि light refract होगी, दूसरे medium में transmit हो जाएगी, लेकिन here we see that कि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को जब क्रिटिकल एंगल से बढ़ाया तो जो रे है वो उसी मीडियम में वापस आ गई, यानी कि रिफ्रैक्ट नहीं हुई, इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई। इसीलिए इस फिनोमिना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यस, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस फिनोमिना इज टोटल इंटरनल। अब बच्चे सवाल पूछते हैं, सर अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लॉज कौन से एप्लीकेबल होंगे? तो मैं सिंपल से जवाब दूंगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल होगा, सिंपल है ना? यस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको शॉर्ट में टी आई आर भी कहते हैं, शॉर्ट में टी आई आर भी कहते हैं। Yes. हाँ, ये तभी पॉसिबल हुआ जब लाइट डेंसर से रेयरर में गई। अब मैं डेफिनेशन लिखता हूं। फॉर दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
for that angle of incidence, the angle of refraction becomes 90 degree. For that angle of incidence, the angle of refraction becomes 90 degree, called as critical. Critical angle. ऐसा angle of incidence जिस पे angle of refraction 90 degree हो जाए उसको critical angle कहते हैं, ठीक है? Yes. Okay. When angle of incidence is increased by critical angle, अगर angle of incidence को critical angle बढ़ा दें, angle of incidence को critical angle से बढ़ा दें, if angle of incidence is increased by critical angle, the angle of incidence is increased by critical angle, then increase by the critical angle, the light gets internally reflected back. Reflected back into the same medium. When angle of incidence increased by critical angle, the light gets internally reflected back into the same medium. This phenomena is called as critical angle. इस फिनोमिना को हम लोग critical angle कहते हैं, ठीक? Clear है? Sorry, मैं क्या लिख रहा हूँ? This phenomena is called as total internal reflection. Yes. तुम भी कह रहे हो, yes sir. तो तुम ध्यान नहीं दे रही हो पढ़ाई पे? सर मैं लिख रही थी सर। जब तुमने क्रिटिकल एंगल नोट कर लिया था? नो सर, वही पांच लास्ट में थी सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, लिखो अभी, लिखो अभी, सही है। This phenomena is called as total internal reflection. Total internal. Yes, done sir. Done. Okay, ये picture बना लिया, diagram. Yes. Very good. Next. अब देखो बेटा, हमें पता है कि refractive index of light denser से rarer में जा रही है, तो refractive index of rarer medium with respect to denser medium, क्योंकि light refract rarer में हो रही है ना? Refractive index of rarer medium with respect to denser medium is equal to nr upon nt, is equal to sin I, यहाँ पे sin theta c, ये लिखो sin I लिखो, upon sin r, ठीक है? अब critical angle के लिए, for critical angle NRD is equal to sin theta C upon sin 90 degree. ठीक है बेटा? यानी NR upon ND is equal to sin theta C, है ना? This is the formula for critical angle. Critical angle हम ऐसे निकाल सकते हैं, sin theta C equal to NR upon ND. ठीक? अगर मान लेते हैं if second medium is air. मेरी वॉइस आपको आ रही है? एंगमो
इफ सेकेंड मीडियम इज एयर, अगर मान लो दूसरा मीडियम एयर है, जो रेयरर वाला मीडियम था मान लेते वो एयर है, तो एन आर की वैल्यू हो जाएगी वन, है ना। तो अब होगा जब एन आर की वैल्यू वन हो जाएगी तो ये होगा वन अपॉन एन डी इज इक्वल टू साइन थीटा सी। ठीक है, यानी सिंपल वन अपॉन एन इज इक्वल टू साइन थीटा सी, यानी कि साइन थीटा सी इज इक्वल टू वन अपॉन एन। This is how you can find the refractive index theta c. This is how you can find the critical angle theta c is equal to 1 upon sin inverse 1 upon n. ठीक है बच्चे, क्लियर है? वेरी गुड। यहाँ से ए भी ले सकते हो आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा सी। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, इफ अ लाइट रे, इफ अ लाइट रे गोज फ्रॉम अ मीडियम of refractive index, if a light ray goes from medium refractive index root 2 to air, find its critical angle. एक light ray जो किसी एक ऐसे medium से जा रही है जिसका refractive index root 2 है, वहां से air में जा रही है, तो उसकी critical angle कितना होगा? जल्दी बताओ फटाफट। अरे फॉर्मूला बताना अभी बेटा। आपको मैंने क्या बताया, साइन थीटा सी इज इक्वल टू वन अपॉन एन, कि सेकंड मीडियम तो एयर है, है ना। तो एक्चुअली फॉर्मूला ये होता है एन आर अपॉन एन डी, फॉर्मूला होता है एन आर अपॉन एन डी, क्योंकि सेकंड मीडियम एयर है, तो ये हो गया वन अपॉन एन, सिंपल है ना। तो साइन थीटा सी इक्वल टू वन अपॉन एन, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बेटा, रूट टू, तो लिखेंगे रूट टू। अब निकाल सकते हो आप थीटा की वैल्यू, क्या लिखेंगे, साइन थीटा सी इक्वल टू साइन 45 डिग्री लिख सकते हैं बेटा, वन अपॉन रूट टू। क्या साइन 45 की वैल्यू होती है, नहीं होती है, बोलो। यस सर, होती है ना। तो इतने थीटा सी इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा, बोलिए। यस, वेरी गुड गुड। अब देखो हमारे पास क्या है कि साइन थीटा सी इज इक्वल टू वन अपॉन एन, यानी कि थीटा सी इज इक्वल टू हमारे पास है वन, साइन इनवर्स वन अपॉन एन। ठीक है, यस, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, अब देखो लाइट रे मान लो डायमंड से एयर में आ रही है, फॉर डायमंड एयर इंटरफेस, तो क्रिटिकल एंगल कितना होता है वो निकालने को पूछ रहा हूं मैं। यस,
फॉर डायमंड एयर इंटरफेस. लाइटर किससे? डायमंड से एयर में आ रही है. ठीक है, तो थीटा सी इज इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन, सॉरी चलो लिख लो, साइन थीटा सी इक्वल टू वन अपॉन एन, यानी थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स वन अपॉन 1.2.42. डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 2.42 में होता है. होता है ना डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल टू 2.42. ठीक है, तो यहाँ से थीटा सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन इनवर्स निकालना आता है आपको, है 2.42 मैं निकाल देता हूँ, नियरली आएगा 24 डिग्री. लेट मी चेक साइन इनवर्स, तो ये 2.42, सॉरी तो ये 1/2.42 0.41 साइन इनवर्स लगा दो 24.4, तो ये होगा 24.4 डिग्री. डायमंड एयर इंटरफेस कहा गया. इस तरीके से लाइट ग्लास से भी एयर में जा सकती है, लाइट वाटर से भी एयर में जा सकती है, तो ग्लास का भी निकालना है हमको, वाटर का भी निकालना है. ठीक है, देखो फॉर ग्लास एयर इंटरफेस साइन थीटा सी इक्वल टू वन अपॉन इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी कि थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और ये होगा साइन इनवर्स 1/1.5. इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 ना, तो थीटा सी इक्वल टू 1/1.5 है ना, 0.66 साइन इनवर्स लगा दो 41.8. सो करेक्ट आंसर इज 41.8 डिग्री. क्रिटिकल एंगल इन केस ऑफ ग्लास टू एयर, यानी कि लाइट अगर ग्लास से एयर में आ रही है और 41 डिग्री पे लाइट आएगी तो वो क्रिटिकल एंगल करने लगेगी, यानी कि 41.8 से ग्रेटर एंगल पर टीआईआर होने लगेगा. ठीक है सर, साइन इनवर्स का वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू नहीं होता है, मतलब 1.1 अपॉन 1.5. इसको ऐसे समझो, देखो मान लो मैं लिखता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू समथिंग 1/2 मान लो. ठीक है yes. ठीक है बेटा, ओके okay. तो ये 1 जो होगा ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. 2 क्या होगा? बेस होगा, सॉरी p by h ना, ये हाइपोटेन्यूस होगा. ओह यस, हाँ. तो जब भी परपेंडिकुलर 1 होगा हाइपोटेन्यूस 2 होगा, तो ये होता है 1/2, और 1/2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है. तो यहाँ से साइन और साइन को काट देते हैं, थीटा कितना आता है? 30 डिग्री आता है, आता नहीं होता? यस सर. अब कुछ ऐसे समझो कि यहाँ पे साइन और थीटा के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मान लो ऐसे अंडरस्टैंडिंग, हालांकि ये लॉजिकली ट्रुथ नहीं है, तो मान लो कि ये साइन और थीटा के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है. तो जब थीटा को लेफ्ट साइड में छोड़ोगे और साइन को राइट साइड में लेकर आओगे, तो क्या हो जाएगा? 1/sin हो जाएगा. यस सर, मल्टीप्लाई आके डिवाइड में जाता है, और इनटू साइन इनटू 30 ऐसा मान लो, तो 1/sin को साइन के पावर -1 नहीं ले सकते. यस, इनटू साइन इनटू 30, तो समथिंग की पावर -1 इनटू समथिंग, यानी कि x की पावर -1 इनटू x, कितना आएगा आंसर बोलो? x की पावर -1 इज 1/x इनटू x, कितना आएगा? 1. तो ऐसे ये दोनों कट जाएंगे, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 1. 30 ना, साइन इनवर्स इनटू साइन ये दोनों कट जाएंगे, 30 कितना आएगा? 30, तो लिखा मैंने यहाँ पे 30 सर. हाँ, तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, यहाँ से साइन और साइन को Yes. काट देते हैं, हालांकि काट नहीं सकते क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, काट नहीं सकते, बट अंडरस्टैंडिंग वैसे अलजेब्रा वाला रखो, अलजेब्रा वाले अंडरस्टैंडिंग रखो, साइन साइन कट गया तो थीटा बराबर 30,
यानी कि मान लो यहाँ लिखा एक्स वाई इज इक्वल टू 24x, तो x से x कट गया, y इक्वल टू 24 हो गया ना, कुछ ऐसी ऐसी समझ के चलो, ठीक है। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कही जाती है, क्लास 11th में पढ़ना। अच्छा तुम्हारा बायो है ना? यस सर। ये ज्यादा ज्यादा तुमको मिलेगा नहीं, कुछ ही जगह पे, ये खैर यहाँ पे याद करना तुमको, यहाँ पे तुम्हें इसको प्रूव नहीं करना, समझना नहीं है, ठीक है। एनीवेज चलो नेक्स्ट है आपका, फॉर वाटर इंटर वाटर एयर इंटरफेस, फॉर वाटर एयर इंटरफेस, वाटर एयर इंटरफेस में आप देखोगे बेटा, तो ये होगा साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/n, ठीक है, 1/n ऑफ किसका, वाटर का। तो यहाँ पे होगा थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/n वाटर का। तो थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.133, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, कैलकुलेटर से आपको खाली याद करना है बस, 1/1.33, तो इसका साइन इनवर्स आएगा 48.75, तो यहाँ पर होगा थीटा सी इक्वल टू 48.75 डिग्री, आपको बस खाली याद करना है। डायमंड के लिए 24.4, ग्लास एयर के लिए 41.8 और वाटर एयर के लिए 48.75 डिग्री, याद रहेगा? यस, याद रहेगा ना? हाँ याद कर ही लीजिएगा ना, कर लूंगी तो ठीक है, इट्स लाइक हाँ ठीक है कर लेंगे, बट करना ही है, अंडर एनी सर्कमस्टेंस आपको करना ही है, कोई चारा ही नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया? Okay. आगे बढ़े एंगमो, yes, sir. Okay. अब आते हैं बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो दो नंबर में भी पूछा गया है और तीन नंबर में भी पूछा गया है, जिसका नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला, यानी कि हम लेंसेस पे पहुंच रहे हैं, ठीक है, लेंसेस पे पहुंच। देखो बेटा एक चीज और ध्यान रखो, देखो मैं टॉपिक लिखता हूँ रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस के अंदर। अच्छा मैंने ग्लास स्लैब पढ़ाया आपको, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब? रेक्टेंगुलर नो सर, नहीं पढ़ाया, पहले वो लिखो, सॉरी, रिफ्रैक्शन बाय रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, this is your rectangular glass slab, a light ray striking on the glass slab what will happen, it will bend towards the normal and it will again come like this, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर की शेप का ग्लास स्लैब, पढ़ना क्यों जरूरी है, इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि ग्लास स्लैब के अंदर जो दोनों फेसेस हैं, ग्लास स्लैब में जो दोनों फेसेस हैं वो दोनों प्लेन फेसेस हैं, जहां से लाइट एंटर कर रही है ये सरफेस, ये फेस भी प्लेन है, और जहां से लाइट एग्जिट हो रही है तो ये फेस भी प्लेन है। तो जो रिफ्रैक्शन होता है इस केस में वो कुछ ऐसा होता है कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है, क्लास टेंथ में भी पढ़ा होगा शायद,
इंसिडेंट रे सीम टू बी पैरेलल विद द इमर्जेंट रे. ये नॉर्मल वन है एन वन और ये एन टू. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर. तो ये आर तो ये भी आर होगा डेफिनेटली. क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एन वन एन टू पैरेलल है. और ये जो एंगल है इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस ई कहते हैं. तो एक चीज बहुत केयर करने वाली है कि देखो रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो दोनों है ऑपोजिट, ये दोनों प्लेन है, ये दोनों प्लेन है. इस वजह से जो इंसिडेंट रे इस केस में, अच्छा आई आर जो है आपका वो है. अच्छा एक चीज और देखो ध्यान से, ये मीडियम एन वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मीडियम एन टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ पे एन टू इक्वल टू होगा 1.5 क्योंकि ग्लास स्लैब है. क्या है? ये ग्लास है इसलिए. और ये आपका एयर है, कोई भी मीडियम हो सकता है, मैंने एयर चलो ठीक है एन वन सी रहने दो. ठीक है तो एक चीज और देखो बेटा. हाँ तो यहाँ पे जो आई आर है आपका उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो रे बाहर की तरफ निकल रही है उसको कहते हैं लोग इमर्जेंट रे. ठीक है इमर्जेंट रे. एंगल आई जो है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल ई है उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस. ठीक है यहाँ पे इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल होता है इमर्जेंट रे के. ठीक, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस के. देखो आप अगर देखना चाहो तो इसको ऐसे देख सकते हो कि ये जो इंसिडेंट रे को अगर मैं फॉरवर्ड आगे की तरफ प्रोड्यूस करूं तो देखो ये इमर्जेंट रे के पैरेलल हमको दिख रहा है. बट इन दोनों में दिक्कत ये है कि ये दोनों थोड़े से गैप पे सेपरेटेड हैं. पैरेलल तो हैं बट थोड़ा सा इनके बीच में गैप है, जिसको हम लोग जनरली एक्स से डिनोट करते हैं या कई बार किताबों में एल से डिनोट किया जाता है. और इसको हम लोग कहते हैं लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट, या कई बार किताबों में लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी लिखा रहता है. लेटरल शिफ्ट बोलो या लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलो एक ही बात है. ठीक है तो थर्ड चीज आपके लिए क्या है, लेटरल शिफ्ट क्या होता है, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसका डेफिनेशन जानना जरूरी है, और वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये भी जानना जरूरी है. ठीक है देखो लेटरल शिफ्ट लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, व्हेन इंसिडेंट रे इज प्रोड्यूस्ड, व्हेन इंसिडेंट रे इज प्रोड्यूस्ड फर्दर इट कम्स टू बी पैरेलल, व्हेन इंसिडेंट रे इज प्रोड्यूस्ड फर्दर इट कम्स टू बी parallel with the emergent ray. When incident ray is produced further, it comes to be parallel with emergent ray. Parallel with the emergent ray, but with some सेपरेशन, थोड़ा सा गैप इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में थोड़ा सा सेपरेशन होता है, गैप होता है. इसी सेपरेशन को और गैप को हम लोग लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. विद द इमर्जेंट रे बट विद सम सेपरेशन, दैट सेपरेशन या दैट गैप
दैट सेपरेशन इज कॉल्ड एज लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट. इसी सेपरेशन, इसी गैप को लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. ठीक. प्रश्न ये भी उठता है कि लेटरल शिफ्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन चीजों पर डिपेंड करता है. फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटरल शिफ्ट, किन किन फैक्टर्स पर लेटरल शिफ्ट डिपेंड करेगा. द फर्स्ट फैक्टर इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. The second factor is refractive index glass का भी और दूसरे medium का भी है ना. जो third factor है वो है thickness of glass slab. glass slab कितना thick है. देखो अगर glass slab के thickness को मान लो मैं बढ़ाता हूँ, मान लो मैं क्या करता हूँ कि ग्लास स्लैब के थिकनेस को बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ. मोटा करूँ तो क्या होगा, ये रे कुछ यूं रिफ्लेक्ट करेगी और ये रे कुछ यूं इमर्ज होगी. तो देखो लेटरल शिफ्ट बढ़ गया ना, तो ग्लास स्लैब के थिकनेस बढ़ाने से लेटरल शिफ्ट बढ़ जाएगा. अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर दूं, मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ा दूं, कैसे बढ़ेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब रे कुछ यूं आएगी. एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, कुछ यूं होगा रे. अब इस बार रे कुछ यूं आएगी, अलग कलर ले लो, ये रे कुछ यूं आई, कुछ यूं रिफ्रैक्ट हुई, कुछ यूं रिफ्रैक्ट हुई, तो कुछ यूं रिफ्रैक्ट इमर्ज होगी. तो देखो लेटरल शिफ्ट वापिस से कम हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने से लेटरल शिफ्ट कम हो जाएगा. तो जिस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होगा वैसे लेटरल शिफ्ट भी वेरी करेगा. जिस तरीके से थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब वेरी करेगा वैसे लेटरल शिफ्ट वेरी करेगा. और अगर एंगल रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास चेंज करोगे तो वो भी तब भी लेटरल शिफ्ट वेरी होगा. तो लेटरल शिफ्ट कई रीजन से वेरी करता है, चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करो, थिकनेस ऑफ ग्लास चेंज करो, या फिर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लाइट आ रही है मान लो वो लाइट मोनोक्रोमेटिक है, यानी सिंगल कलर की है. ठीक है, तो आने वाली लाइट की अगर कलर अलग हो सकती है तो लाइट के कलर अलग होने से लाइट की वेवलेंथ बदल जाएगी, और वेवलेंथ बदलेगी तो स्पीड बदलेगा, स्पीड बदलेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बदलेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बदल जाएगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बदलेगा तो आपका एंगल ऑफ इमरजेंस यानी कि लेटरल शिफ्ट बदल जाएगा. ठीक है, तो इस पे भी डिपेंड करेगा कि कौन सी कलर की लाइट आ रही है, और अलग अलग कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है जिससे जिसकी वजह से अलग अलग स्पीड आती है. मैंने आपको पढ़ाया ऑलरेडी ईएम वेव के अंदर कि विबग्योर में जो सात कलर हैं उन सातों कलर के वेवलेंथ अलग अलग हैं, फ्रीक्वेंसी सेम कह सकते हो, हालांकि फ्रीक्वेंसी भी सेम नहीं होता लेकिन एक फिक्स मीडियम में फ्रीक्वेंसी सेम होता है ना. तो अलग अलग कलर की वेवलेंथ अलग अलग है, अलग अलग वेवलेंथ होगी तो डेफिनेटली अलग अलग एंगल पर रिफ्रैक्ट करेगी. मैं दिखाता हूँ आपको, देखो थर्ड है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब एंड फोर्थ है आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट. जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ क्या है, वो कौन सी कलर की और उसकी वेवलेंथ क्या है. जैसे देखो हमें पता है कि वेवलेंथ ऑफ रेड ये सबसे ज्यादा है वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज से, फिर ये ज्यादा है वेवलेंथ ऑफ विबग्योर वाई, ये ज्यादा है वेवलेंथ ऑफ बी, ये ज्यादा है वेवलेंथ ऑफ आई जी. सर सर विबग्योर, अच्छा ठीक है, अभी नहीं उल्टा लिख दिया मैंने क्या. यस सर, यहाँ पे आएगा जी
ठीक है, और इसके वजह से स्पीड ऑफ रेड ज्यादा होगा, स्पीड ऑफ ऑरेंज से, स्पीड ऑफ येलो से, स्पीड ऑफ ग्रीन से, स्पीड ऑफ ब्लू से, स्पीड ऑफ इंडिगो से और स्पीड ऑफ वाइट से। ठीक है, और हमें पता है कि जो, क्योंकि देखो यहां से रिलेशन क्या है कि स्पीड ऑफ वेव वी इज इक्वल टू द लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी देखो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी होता है कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट है तो वी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, है ना, लैम्डा बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा, लैम्डा घटेगा तो वी घटेगा। ठीक है, yes. इसके बाद जो सेकंड रिलेशन मैंने बताया आपको वो ये कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n इज इक्वल टू होता है c अपॉन v, और जिसकी वेव वेलोसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी उसका वेवलेंथ कम हो जाएगा, है ना, yes. उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो इक्वल होता है साइन i अपॉन साइन r, यानी जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ठीक है, तो यूं समझो कि जिसका वेव वेलोसिटी ज्यादा उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज्यादा, है ना, जिसका वेलोसिटी ज्यादा उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज्यादा। तो लिखेंगे हम साइन आर, यानी साइन मत लिखो, सिंपल आर लिखो, रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ रेड इज ग्रेटर देन ऑरेंज इज ग्रेटर देन येलो, is greater than green, is greater than blue, is greater than indigo, is greater than violet. तो angle of refraction जिसका v ज्यादा उसका angle of refraction भी ज्यादा, है ना, yes. angle of refraction change होगा तो definitely क्या होगा आपका angle of emergence भी change होगा, angle of emergence change होगा तो फिर lateral shape change होगा। ठीक है, एंगल आर चेंजेस तो एंगल ई चेंजेस, और एंगल ई चेंजेस तो लेटरल शिफ्ट, तो लेटरल शिफ्ट डायरेक्टली समझ आ रहा था कि एंगल आई चेंज होने पे कैसे लेटरल शिफ्ट चेंज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने पे कैसे होगा, थिकनेस ऑफ ग्लास लेयर कैसे होगा, वेवलेंथ वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था तो वो मैंने समझा दिया कि वेवलेंथ चेंज होने पे कैसे होगा। ठीक है, वेवलेंथ चेंज होने पे एंगल आर चेंज होगा, एंगल आर के चेंज होने पे एंगल ई चेंज होगा, एंगल ई के चेंज होने पे लेटरल शिफ्ट चेंज होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का फिनोमेनन। नो सर, हाँ, क्योंकि ग्लास स्लैब के अंदर जो दोनों दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस थे वो प्लेन थे, इसलिए आई पैरेलल टू ई हुआ। अगर मैं स्फेरिकल सरफेस की बात करूंगा तो आई पैरेलल टू ई नहीं होगा। ठीक है, आई पैरेलल टू ई नहीं होगा, और कोई ऐसा सरफेस ऐसे कहोगे, कोई ऐसा रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिसमें कोई ऐसा रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिसका कोई भी एक साइड अगर स्फेरिकल है तो वैसे सरफेस को हम लेंस कहते हैं। लेंस किसको कहते हैं? लेंस एक ऐसा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसका वन साइड हमेशा कैसा होता है, वन साइड हमेशा स्फेरिकल होगा, दूसरा वाला हो सकता नहीं हो सकता, उसे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक साइड कोई ना कोई हमेशा स्फेरिकल होगा। ठीक है, मैं बात करता हूँ लेंसेज की। ठीक है, लेंस का डेफिनेशन ये, कंडीशन ये कि वन साइड ऐसा लिखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मिनट रुको, लिखेंगे इसका डेफिनेशन, लिखेंगे अह
ट्रांसपेरेंट मटेरियल ट्रांसपेरेंट मटेरियल मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल मेड अप ऑफ टू सर्फेसेस इन विच वन इज ऑलवेज एक सर्फेस इज ऑलवेज स्फेरिकल transparent material made up of two surfaces in which one is always spherical called as lens ko lens kehte hain theek hai ek hamesha spherical ho agar dono spherical ho jaye to usko bi theek hai ye lenses aapko dekhne ko mila hoga class 10th mila tha na yes sir haan तो इस लेंस को हम लोग कहते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस बाई कॉन्वेक्स कहो या डबल कॉन्वेक्स कहो ठीक है बाई कॉन्वेक्स कहो या डबल कॉन्वेक्स कहो और इस नीचे वाले को हम लोग कहते हैं बाई कॉनकेव या डबल कॉनकेव ठीक है तो एक हमेशा स्फेरिकल होना चाहिए ना दूसरा वाला है इसको हम लोग कहते हैं एक साइड प्लेन एक साइड स्फेरिकल इसको हम लोग कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स एक साइड प्लेन एक साइड स्फेरिकल प्लेनो कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्वेक्स अब यहाँ पे जो एक साइड स्फेरिकल कॉन्वेक्स वाला दूसरा वाला कॉनकेव वाला ठीक है और ये कह रहा था है उनके वो कॉन्वेक्स लेंस लेंस के अनेक प्रकार हैं ठीक है ये कह रहा था प्लेनो कॉनकेव प्लेनो कॉनकेव लेंस ठीक और ये कहलाता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस तो लेंसेस के अनेक प्रकार हैं कंडीशन क्या लेंस होने के लिए कि दो ट्रांसपेरेंट सरफेस हो जिसमें से एक स्फेरिकल हमेशा होना चाहिए आप देख लो इसमें इत्तेफाक से कम एक होना चाहिए इसमें इसमें पहले वाले में दोनों स्फेरिकल है तब भी ये लेंस कहलाएगा yes. है ना इसमें दोनों स्फेरिकल थे तब भी लेंस कहलाया इसमें दोनों स्फेरिकल तब भी लेंस कहलाया इसमें क्या है कि एक स्फेरिकल एक प्लेन है तब भी लेंस कहलाया एक स्फेरिकल होना ही चाहिए जैसे मान लो ये प्लेन और ये प्लेन दोनों तरफ प्लेन ही बना दो तो ये लेंस नहीं कहा जाएगा दोनों साइड प्लेन होगा तो लेंस नहीं होगा इसको हम लोग रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कहते थे याद करो ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब था ऐसा है ना इसीलिए ग्लास स्लैब मैंने पढ़ा ताकि अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए कि ग्लास स्लैब के अंदर दोनों सरफेस प्लेन होता है और
लेंस के अंदर एक सरफेस प्लेन भी हो सकता है, लेकिन एक सरफेस हमेशा स्फेरिकल ही रहेगा। लेंस की अंडरस्टैंडिंग हो गई आपको? यस, वेरी गुड। अब हम इस चैप्टर में बाकी है लेंस मेकर फॉर्मूला, जो बड़ा डेरिवेशन है। इसके बाद फिर टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और प्रिज्म, ये दो तीन टॉपिक बाकी है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होपफुली इंशाल्लाह फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो दो क्लास और लगेगा रे ऑप्टिक्स खत्म होने में, तो दो लगेगा मैक्सिमम, लगेगा तो तीन लगेगा क्वेश्चन करके, मैक्सिमम लगेगा तो तीन लगेगा। तो बस यही है, रे ऑप्टिक्स फिर खत्म, फिर वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। ओके सर, ठीक है। ओके सर, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू बच्चे। Okay.